बैठक से जो कुछ भी निकलकर सामने आएगा, जो जानकारी हमें मिलेगी वो हम आपको बताएंगे। लेकिन गोविंदाचार्य ने जो बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि लालकृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री होना चाहिए और नरेंद्र मोदी को गृह मंत्री होना चाहिए, उस पर आज क्या कुछ हलचल रही, आइए पहले वो देखते हैं। अगर मेरी चले अब मैं बताऊं तो मैं कहूंगा कि आडवाणी जी को प्रधानमंत्री हो जाना चाहिए और नरेंद्र मोदी, शरद यादव, डॉक्टर स्वामी, सुषमा जी, इन लोगों को मंत्री हो जाना चाहिए। नरेंद्र जी को होम मिनिस्टर बना दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नहीं, गृह मंत्री के लायक हैं नरेंद्र मोदी। कहां तो बीजेपी में प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी के नाम की चर्चा होती थी, अब गृह मंत्री के नाम की चर्चा हो रही है। कभी बीजेपी से जुड़े रहे विचारक गोविंदाचार्य ने ये नया आइडिया दिया है। गोविंदाचार्य जो कह रहे हैं उसके मुताबिक लालकृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री के दावेदार हो और नरेंद्र मोदी गृह मंत्री बने। गोविंदाचार्य का ये आइडिया बीजेपी को कैसा लगा ये तो बीजेपी ही जाने, लेकिन उसकी सहयोगी पार्टी जेडीयू क्या सोचती है ये भी जान लीजिए। पढ़े लिखे विद्वान लोगों को अपना विचार रखने का तो हक है ये है। हम लोग भी कह रहे हैं, उनकी राय कुछ हो सकती है, हम लोगों की भी राय ये है कि चुनाव के पहले कौन एनडीए को लीड करेगा, कौन नेता होगा, इसकी घोषणा होनी चाहिए। जेडीयू तो फिलहाल बीजेपी की तरफ से किसी ऐलान का इंतजार कर रही है, लेकिन गोविंदाचार्य ने तो एक तरह से पीएम पद के लिए मोदी का पत्ता ही काट दिया। मोदी तो छोड़िए, कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी को भी गोविंदाचार्य पीएम पद के दावेदार के रूप में नहीं देखते हैं। कांग्रेस को देखेगा तो श्री दिग्विजय सिंह जी हैं, श्री एके एंटनी जी हैं, ये सब तो राहुल जी से ज्यादा काबिल हैं, अनुभवी हैं। इसलिए मैं सोचता हूं कि इनमें से कोई प्रधानमंत्री बने और राहुल जी अप्रेंटिसशिप करें पहले, उसके बाद अप्रेंटिस कैसा अच्छा करता है नहीं करता है तो जनता को देखने का मौका मिलेगा, फिर आगे बात बढ़े। कुल मिलाकर गोविंदाचार्य की नजरों में ना तो नरेंद्र मोदी और ना ही राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। फिर कौन है? क्या गोविंदाचार्य का आइडिया किसी को पसंद आएगा? जाहिर है कांग्रेस भला क्यों गोविंदाचार्य की बातें सुनेगी, लेकिन सवाल उठता है कि क्या बीजेपी अपने पुराने नेता और विचारक की बातों पर ध्यान देगी। और इसी पर चर्चा करेंगे, गोविंदाचार्य ने जो बयान दिया उसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं, हमारे साथ बीजेपी से सुधांशु मित्तल जी मौजूद हैं, हमारे साथ दोपहर का सामना के संपादक प्रेम शुक्ला जी मौजूद हैं, मेरे सहयोगी विजय विद्रोही हमारे साथ रहेंगे इस चर्चा के दौरान। हमारे साथ और मेहमान भी जुड़ेंगे, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से भी नेता जुड़ेंगे और पत्रकार भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले सुधांशु मित्तल जी, आप काफी मुस्कुरा रहे हैं पहले से ही ये बात सुनने के बाद ही, लेकिन जानना चाहूंगी ये खुशी है कि नरेंद्र मोदी गृह मंत्री बने और लालकृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री बने? एक वो कहते हैं तू कौन मैं खामखा, भाई गोविंद जी के बयान पे पहले मेरा मानना है गोविंद जी को ये बयान देने का औचित्य नहीं है। वो किसी समय भाजपा के वरिष्ठ पद पर रहे हैं और गरिमा उसकी रखनी चाहिए उनको। जो इस तरह के बयान जो कि भाजपा के संबंध में हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में जब वो देते हैं तो भाजपा के सामने दो ही विकल्प बनते हैं जे। या तो वो कहे कि गोविंदाचार्य जी का कोई हक नहीं है बोलने का और वो अपना काम खुद करे, इसको करके वो अपनी गरिमा और प्रतिष्ठा ना कम करे, या फिर हम कहें और थोड़ी एग्रेसिव भाषा में उसकी निंदा करें। मेरा कहना है कि ये बिल्कुल अनुचित है कि उनके बयान पे। तो आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के लिए गृह मंत्री का जो पद है किसी को वो बहुत छोटा है? अरे भाई अभी कुछ हो तो जाने दीजिए विजय जी, मैं मानता हूं आप सबकी जिज्ञासा और उत्सुकता के बारे में, लेकिन ये तो समझिए कि ना प्रधानमंत्री का पद अभी खाली। मैं एक चीज के लिए बड़ा आप लोगों का शुक्रगुजार हूं कि कम से कम सारी मीडिया आज के दिन यह मानता है कि भाजपा की सरकार आने वाली है, इसीलिए आप लोगों ने हमें पद बांटना चालू कर दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत तो आपके यशवंत सिन्हा से लेकर राम जेठमलानी इन सब ने शुरुआत की है ना, यही सब बोल रहे हैं आपकी पार्टी के जो नेता है अभी पार्टी में है वो भी इस तरह की बात कर रहे हैं। विजय जी एक सेकंड, देखिए हम तो मानते ही हैं कि हम लोग सरकार में आ रहे हैं, लेकिन अब आप लोग भी मानने लगे और आप लोग भी अब सरकार का क्या स्वरूप होगा
जब उसकी चर्चा करने लगते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। सुधांशु जी, सुधांशु जी जी के बयान को मैं कहना चाहता हूं, लेकिन लेकिन जी गोविंदाचार्य की अपनी राय इस बारे में व्यक्त नहीं करनी चाहिए। लेकिन सुधांशु जी, आप ये मानेंगे कि गोविंदाचार्य बीजेपी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वो थिंक टैंक रहे हैं, और अगर वो कुछ कह रहे हैं तो वो बहुत कुछ जानते हैं बीजेपी की कार्यप्रणाली के बारे में, बीजेपी में क्या कुछ चल रहा है उसको लेकर, और इसलिए उनका बयान कुछ अहमियत रखता है। सुमेरा जी, जो लोग बीजेपी में कार्य कर रहे हैं और जो निर्णायक मंडल के सदस्य हैं या जो निर्णय करने वाले हैं, मुझे लगता है भाजपा के बारे में उनकी जानकारी और उनका मूल्यांकन ज्यादा होगा गोविंद जी से जी। और गोविंद जी को भाजपा से सबैटिकल लिए हुए और अपना कार्य करते हुए बहुत दिन हो गए, अब उनको भाजपा की वस्तु स्थितियों के बारे में कितना अंदाजा है कितना नहीं है उसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। मैंने जैसे आपसे कहा क्योंकि एक वरिष्ठ नेतृत्व के वो थे, इसलिए उनको इन सब चीजों को बोल के आपके सहयोगी शिवसेना प्रेम शुक्ला जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला जी, इस पर शिवसेना की क्या राय होगी कि गृह मंत्री हो नरेंद्र मोदी और लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री हो? जी गोविंदाचार्य जी की तरह शिवसेना जो है इस तरह के विचार नहीं प्रकट करेगी। गोविंदाचार्य जी का भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो विश्लेषण है वो सटीक नहीं हुआ करता। इसका उदाहरण है कि उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को किसी जमाने मुखौटा कहा और वही अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हुए। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के बारे में भी उनका विश्लेषण सटीक है या नहीं इस बारे में भारतीय जनता पार्टी के लोग ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। गोविंद जी ने एक अपनी राय व्यक्त की है और मेरी उस बारे में व्यक्तिगत राय यह है कि जो व्यक्ति गुजरात का मुख्यमंत्री हो सकता है वो संवैधानिक रूप से केंद्रीय गृह मंत्री भी हो सकता है, प्रधानमंत्री भी हो सकता है। ये तय भी भारतीय जनता पार्टी को करना है कि वो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार किसे बनाएंगे, फिर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में वो विषय आएगा और उस समय उपयुक्त राय जो है शिवसेना भी व्यक्त कर देगी। लेकिन जी विजय, लेकिन जो अभी सुधांशु जी कह रहे हैं या प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं, तो क्या मतलब गृह मंत्री का पद नहीं नरेंद्र मोदी के लिए, प्रधानमंत्री का पद ही होना चाहिए, उसी की उम्मीदवारी, उसी के लिए उम्मीदवार बने वो? देखिए, गोविंदाचार्य जी ने बीजेपी को छोड़ा और एक तरह से हम कह सकते हैं सक्रिय राजनीति को छोड़े हुए काफ़ी वक्त हो गया है। और इस बीच प्रेम शुक्ला जी की बात से मैं सहमत हूँ कि बीजेपी में बड़ा बदलाव आया, लेकिन अभी भी संघ के आदेश पर ही, संघ के निर्देश पर ही बीजेपी चलती है, ये बात भी अपने आप में सच्चाई है। अब गोविंदाचार्य जी ये बात क्यों कह रहे हैं ये तो गोविंदाचार्य जी जानते हैं। कहीं ना कहीं क्या वापस आना चाहते हैं बीजेपी में, अडवाणी खेमे को खुश करने की उनकी कोशिश है, या फिर उन्हें लगता है कि आज के ये परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिसके अंदर अगर बीजेपी की सरकार बनती भी है तो ऐसे में चूंकि निरपेक्ष दलों का कुछ अलगाव हो सकता है, ऐसे में नरेंद्र मोदी की कम से कम प्रधानमंत्री के रूप में ताजपोशी नहीं हो पाएगी, तो आडवाणी जी को प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए, और ऐसे में दूसरा सबसे बड़ा पद जो गृह मंत्रालय का और सबसे जो मोदी की जो छवि रही है उसके हिसाब से उनको लगता होगा कि मोदी को प्रधानमंत्री के बजाय गृह मंत्रालय वो अच्छे ढंग से चला सकते हैं। हालांकि आज की तारीख में कंपेयर करें तो सुशील कुमार शिंदे ने बाजी मार ली है, कसाब और अफजल गुरु को फांसी चढ़ाने के बाद अगर मोदी गृह मंत्री बने तो उनके इससे क्या आएगा? जी विजय, इस पर बात करेंगे आगे। सुधांशु जी इस बात पर भी बहुत मुस्कुरा रहे हैं। सुधांशु जी, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रशीद किदवई भी जुड़ गए, हमारे साथ और मेहमान भी जुड़ेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं, कुछ देर के लिए फौरन होंगे हाजिर। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। लाइव डिबेट के प्रायोजक हैं बढ़ती का नाम जिंदगी, शुद्ध प्लस पान मसाला तुम में भी मैं हूँ, होंडा कार्स बिकॉज़ क्वालिटी शोज, HDFC लाइफ रिटायरमेंट प्लान सर उठा के जियो, बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस के रिटायरमेंट सॉल्यूशंस। ऐसा देश नहीं कोई दूजा, यहाँ चरणों की हो पूजा, कहीं पैरों तले है जन्नत, यहाँ झुक जाए सर आगे, यहाँ पीछे दुनिया भागे। मंजिल के हर सफर में साथ दे एक्वालाइट, हर कदम विश्वास के साथ। I ain't no ordinary man, I lead no ordinary life, I see what I see and I am what I am, I ain't no ordinary man. Command attention with India's first premium 125cc bike.
New TVS Phoenix 125. Ride premium class. Bhaw. गाड़ी हो या लाइफ इंश्योरेंस, हमेशा डबल श्योर होना ही अच्छा है। तभी तो पंजाब नेशनल बैंक और मेटलाइफ ने मिलके बनाया पीएनबी मेटलाइफ, हुआ ना डबल श्योर। रेडी टू फ्लाई डिजाइन टू थ्रिल द न्यू विस्टा D90 Powered by a 90 PS quadrajet diesel engine with advanced driver information technology. New Vista D90. Jam, 90 rupees. छोटी-छोटी चीजें खरीदने में तो MRP पे आप बड़ा ध्यान रखती। कल जब आप सोना खरीद रही थी, तब तो आपने रखा नहीं। तब किसने बताया आपको? सेल्समैन ने। और किसने? आपने कभी सोचा कि सोने के ऊपर रेट टैग क्यों नहीं लगा होता? क्यों नहीं? सोने के गहने पर अगर रेट टैग लग जाएगा तो मेकिंग चार्जेस को बढ़ाने घटाने की गुंजाइश कहां बचेगी, समझ रहे ना? बार्गेन करने के लिए रेट अलग, न करने के लिए अलग, ये तो बहुत गलत हुआ। कल्याण ज्वेलर्स, हर गहने पर कम से कम मेकिंग चार्जेस का रेट टैग। अब जब भी लेना गहना, मेकिंग चार्जेस का रेट टैग देख करके ही लेना। चले गुड्डी, नया कैस्ट्रॉल एक्टिव विद एक्टिबॉन्ड्स, ये दे लगातार सुरक्षा इंजन ऑफ होने के बाद भी। एक्टिबॉन्ड्स चिपके रहें ताकि आप चलते रहें। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, ओ तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये The world will do whatever it takes to get into the new Renault Scala. Renault Scala, it's time to step up. तेरा चीज भाग रहा है? ना, भगा रहा है। बहुत भाग लिया ना? चलो उड़ते हैं। Think on your feet. Red Chief, the power of real leather. Fly me to the moon. Let me swim among the stars. Let me hold your hand and fly to a Jupiter and Mars. Fill my heart with song and let me dance forevermore. North Eye, live closer to the moon. Supertech, yours for life. I've been high, I've been low. I've seen smiles so many miles. I've seen faces so many places. Tum sab na dekha. More style than you expected, more admirers than you asked for. Chevrolet Sale, when life gives you more. अब चाक सफेदी सुखी हाथ और चमक दमक भी रहे साथ। गैरो गैरो नथु गैरो की खत्म हो गई बारी। सब पे भारी घड़ी हमारी, घड़ी हमारी। घड़ी डिटर्जेंट केक। पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। तीन जोड़ी कपड़े और 36 किताबें, शेयर्ड वॉशरूम्स और अनशेयर्ड ड्रीम्स, सपने देखने की फुर्सत और उनके पीछे भागने का जुनून। ये है वो जिनके रगे कल देश के रगे बनेंगे, जिनके पैरों में आज चप्पल है वो कल देश के पहिए बनेंगे। बिकॉज एक्सेलेंस ड्राइव्स द स्कॉडा रैपिड नाउ। Own excellence at an EMI of ₹8,999. Hurry! Offer valid for a limited period only. Skoda,
सिंपली क्लेवर। ये है उभरता हुआ भारत, इसकी गारंटी कौन लेता है? हजारों गाड़ियों का वजन, सुरक्षा की गारंटी। जेके लक्ष्मी सीमेंट, मजबूती गारंटीड। न्यू वैगनआर लोडेड विथ न्यू फीचर्स फॉर द स्मार्टर यू। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। गोविंद जारी जी का कोई हक नहीं है बोलने का, और वो अपना काम खुद करे, इसको करके वो अपनी गरिमा और प्रतिष्ठा ना कम करे। गोविंद जी ने एक अपनी राय व्यक्त की है, और मेरी उस बारे में व्यक्तिगत राय ये है कि जो व्यक्ति गुजरात का मुख्यमंत्री हो सकता है, वो संवैधानिक रूप से केंद्रीय गृह मंत्री भी हो सकता है, प्रधानमंत्री भी हो सकता है। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है, तो क्या गृह मंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी? हमारे साथ सभी मेहमान भी बने हुए हैं, हमारे साथ रशीद किदवई भी जुड़ गए हैं, हमारे साथ सुधांशु मित्तल भी मौजूद हैं। सुधांशु जी, लेकिन गोविंदाचार्य के बयान को भले ही आप ये कहें कि वो बीजेपी का हिस्सा नहीं है इसलिए उन्हें इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं गोविंदाचार्य का बयान इस तरफ से इशारा करता है कि बीजेपी में खेमेबाजी है, एक धड़ा है जो चाहता है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, और दूसरा धड़ा है जो उसके खिलाफ है, वो नहीं चाहते कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए। सुमेरा जी, ये सारी इतनी काल्पनिक बातें हैं। नहीं सुधांशु जी, काल्पनिक बातें नहीं है, क्योंकि आपकी पार्टी के कई नेता यशवंत सिन्हा सामने आकर कह चुके हैं कि होना चाहिए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार, और वहीं कुछ नेता हैं जो उस पर कुछ नहीं बोलना चाहते। अच्छा, मुझे ये बताइए, हमारी पार्टी में किसी ने आके ये कहा कि नहीं होने चाहिए? प्रश्न ये है कि प्रधानमंत्री कौन होगा कौन नहीं होगा, उसमें हमारे यहां शीर्ष नेतृत्व है और निर्णायक मंडल जो है वो फैसला कर लेगा, समय तो आने दीजिए। और जहां तक विजय जी एक बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि भाई होम मिनिस्टर साहब ने तो सब कुछ कर दिया है तो हम क्या कहेंगे, तो मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, हमें मौका तो दीजिए, सब बता देंगे आपको, देश कैसे चलाया जाता है करके दिखा देंगे आपको। और कम से कम एक चीज तो नहीं होती कि अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब ने जो बयान दिया है, ऐसे बयान देने की हिम्मत कोई करता हमारे राज्य में मुझे नहीं लगता। तो मेरा कहना है, आप इन सब चीजों की चिंता बहुत लोग कर रहे हैं, आप लोग हमारे कौन होगा कौन नहीं होगा, कौन जी, क्या होगा, चिंता तो बीजेपी में भी बहुत हो रही है, देश की जनता चिंता तो बीजेपी में बहुत है, और इस वजह से बीजेपी के नेता ये चर्चा कर रहे हैं और ये चिंताएं सामने ला रहे हैं। हमारे से प्रभा ठाकुर भी जुड़ गई है। प्रभा जी, आप इस पर क्या कहेंगी कि नरेंद्र मोदी को? सुमेरा जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी संगठन में अलग अलग मत और अलग अलग मूल्यांकन होना बहुत स्वाभाविक है जी। इसमें कोई गलत है क्या? कोई हिटलरियन सिस्टम तो है ना, बिल्कुल ठीक, आप मान रहे हैं ना कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर अलग अलग मत हैं, अलग 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 धड़े हैं, ये आप मानते हैं फिर? नहीं, एक एक, अरे भाई नहीं, मत और धड़े होना अलग अलग बात होती है। और दूसरी बात, मैं सिर्फ प्रधानमंत्री के विषय की बात नहीं कह रहा हूं, मैं किसी भी संगठन में किसी भी विषय को लेके, चाहे चाहे हमें कांग्रेस के ऊपर कितना अटैक करना चाहिए, हमारा जिस समय मूल्यों की वृद्धि हो रही है उसमें हमारा क्या पक्ष होना चाहिए, हर विषय को लेके अलग अलग भिन्न मत होते हैं। ठीक ठीक ठीक, इसका मतलब ये नहीं होता कि पार्टी में विभाजन है, और दूसरा ये भी नहीं होता, और ये भी नहीं होता उसका मतलब ठीक है, सुधांशु जी ठीक है, आपने भी बात फैसला नहीं ले पाएंगे, आप ध्यान करिए, सब लोग लगे हुए हैं। ये समय बताएगा कि समय आने पर किस तरह से फैसला लिया जाएगा और वो क्या फैसला होगा जो निकल कर सामने आएगा, और वो भी सबके सामने ही होगा। लेकिन प्रभा ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। प्रभा जी, ये गोविंदाचार्य ने बयान दिया कि नरेंद्र मोदी को गृहमंत्री होना चाहिए और लाल कृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री होना चाहिए, राहुल गांधी की तो इसमें कोई उन्होंने चर्चा ही नहीं की, उन्होंने कहा उन्हें तो इंटर्नशिप करनी चाहिए। किसने कहा? गोविंदाचार्य ने। सलाह जो दे रहे हैं जी, वो जो है ना जी, जो अपने आप को बहुत बड़े आका समझते हैं, बहुत बुद्धिजीवी समझते हैं, वो लोग ये भूल जाते हैं
कि बहुत बुद्धिजीवी होते तो आज गोविंदाचार्य जी भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो होते। वो मेरे ख्याल में नरेंद्र मोदी जी और कई नेताओं से ज़्यादा बुद्धिजीवी हैं, उससे काम नहीं चलता। आप कितने हृदयजीवी हैं, संवेदनशील हैं, जनता आपको कितना चाहती है, पार्टी पर कितना विश्वास रखती है, वो तो राहुल गांधी जी उस पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। उस रूप में उन्हें वो तो बौखलाहट में आकलन कर नहीं पा रहे हैं या उन्हें सच्चाई दिखाई नहीं दे रही है। और अब जिसे एक कहावत है ना क्या कि सूत न कपास और तारे माने से लठम लट्ठा ला, तो अभी कहाँ तो चुनाव कब की बात, कौन चुना जाएगा, कौन पार्टी का बहुमत होगा, कौन सा गठबंधन बनेगा, कौन सा गठबंधन को जनता चुनेगी। अरे जनता की तो बात करो जी, आपको लगता है कि राहुल गांधी को इंटर्नशिप की जरूरत है? इसी पर विजय, इसी पर बीजेपी आरएसएस मिलकर, अरे आप मेरी बात तो सुन लीजिए जी जी, अब आप मेरी बात तो सुन लीजिए ना जी। इंटर्नशिप नहीं, वो तो डॉक्टरेट किए हुए हैं, बैठे हैं और बहुतों को पढ़ा सकते। अभी जो उनका भाषण सुना, आपने सुना क्या चिंतन शिविर में? लेकिन प्रभा जी, वो जितना संवेदनशील भाषण था, जनता के दिल के करीब था, जो सारी समस्या सच्चाई उसमें लेकर के जिस तरह से बात की थी साफ गोई के साथ में, वो आप लोगों की बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की बोलती बंद हो गई थी, तब कोई टिप्पणी करने को सूझा नहीं था किसी को काफी समय तक जी। अभी सब लोग इतने, बल्कि सारे कांग्रेस जन इतने वो हो गए थे कि जी प्रभा जी हो गए थे। कुछ लोग कहते हैं दिग्विजय सिंह से वो इंटर्नशिप ले रहे हैं। इस पर प्रेम शुक्ला जी भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, इस पर सुधांशु मित्तल जी भी अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे। और कौन लोग कहते हैं? आप ही कहते हैं ये तो इंटर्नशिप। और गोविंदाचार्य तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में भी और बहुत सारे प्रतिभावान लोग हैं, दिग्विजय सिंह हैं, एके एंटनी हैं जी जी। इसी पर बात को आगे बढ़ाएंगे, जो गोविंदाचार्य ने राहुल गांधी को लेकर कहा, कांग्रेस पार्टी को लेकर कहा, इस पर भी बात आगे करेंगे। फिलहाल उठने कुछ देर के लिए फौरन होंगे हाजिर। जिंदगी के उतार चढ़ाव में हम हैं आपके साथ, मैक्स फॉर लाइफ। तेरा बाप वहाँ पे दो बैंड बजा रहा है, एक मेरा और एक अपन दोनों की शादी का। hey, अगर हम उनको ऐसा बोल दें कि हम एक साल में शादी कर रहे हैं तो? hey, तू पागल है क्या? लविंग गिरी मोर डेंजर देन भाई गिरी। It's like love. राहों में साथ जिसका भी मिला उसे हम सफर बना लिया। नैनो के साथ अब हर सफर ही मंजिल है। टाटा नैनो, आपकी खुशियों की चाबी। और अब पेश है टाटा नैनो स्पेशल एडिशन, घर ले आइए आज ही। अगर सीमेंट जंग रोधक ना हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। क्वालिटी दिखती है, ये दिखती है आपके भरोसे में। जिसने होंडा सिटी को 10वीं बार लगातार जिताया JD पावर इनिशियल क्वालिटी स्टडी अवार्ड, और प्रियो को पहली बार उसके पहले साल में। क्वालिटी जो चले सालों साल मीलों मील, क्योंकि क्वालिटी दिखती है। पान बहार क्रिस्टल, दुनिया का सबसे महंगा पान मसाला। I told you to stop and ask for directions, but no, you want to depend on the GPS. Now we're lost, and it's all your fault. Now get lost exactly where you want. The Vento, now with GPS, rearview camera, multifunction steering, and a whole lot more. Volkswagen, das Auto. दुनिया के लिए ये सिर्फ लाइट है, पर यहाँ शादी की भी रोशनी होती है और रोशनी की भी शादी। दिया मतलब दिवाली।
और कभी कभी घरवाली। हम जानते हैं आपके लिए रोशनी क्या मायने रखती है, इसलिए हमारी लाइट्स देती है 20% ज्यादा रोशनी। फिलिप्स, जिंदगी की रौनक। किसके पास है 6,000 acres के ऑर्गेनिक फार्म्स? 75 सालों से न्यूट्रिशन का एक्सपर्ट है कौन? कौन है विटामिन्स, मिनरल्स और डाइटरी सप्लीमेंट्स में दुनिया का लीडिंग ब्रांड? दुनिया भर के लाखों कस्टमर्स आपको देंगे एक ही जवाब। न्यूट्रलाइट, 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 न्यूट्रलाइट फ्रॉम एमवे। SMS न्यूट्री टू 5888। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का। ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूं। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। भैया अब गिरा के दिखाओ। दुनिया के बेहतरीन परफ्यूम्स जैसी खुशबू अब हर दिन लक्स अब पेश करते हैं नए फ्रेग्रेंस डियो स्प्रेज। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। क्या आप जानते हैं कि आजकल के असंतुष्ट वैवाहिक जीवन का मूल कारण है स्ट्रेस, जिससे आप में ऊर्जा व क्षमता की कमी महसूस होती है? इसका जड़ से इलाज करें झंडू विगोरेक्स के साथ। अन्य दवाइयां असर तुरंत तो करती हैं, पर उनके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। झंडू विगोरेक्स एक सुरक्षित आयुर्वेदिक जोशवर्धक है जो वाजीकरण थेरेपी पर आधारित है। इसमें है अश्वगंधा, कौंच बीज और स्वर्ण भस्म जैसे 7 जोशवर्धक। आप मिलाए भरपूर ऊर्जा और क्षमता, ताकि आप वैवाहिक जीवन का आनंद ले सकें। 45 दिनों तक रोजाना एक कैप्सूल लें झंडू विगोरेक्स। एक जज्बा सारी दुनिया को जोड़ने का, बिनानी सीमेंट सदियों के लिए। चैलेंज द लिमिट्स इन द ऑल न्यू सफारी स्टॉर्म, द रियल SUV। बड़े वाले सोफे के लिए, पुरानी छत की मरम्मत के लिए, सुमन की शादी के लिए बचाए पैसे खत्म हो जाएंगे, लेकिन जरूरतें नहीं। एक चीज मैंने सीखी है, पैसे बचाने से नहीं, बढ़ाने से सपने साकार होते हैं। इसीलिए बजाज एलियांस लाइफ अश्योर प्लान, जो आपके सेविंग्स बढ़ाए और सपनों को रखे हमेशा सुरक्षित। बजाज एलियांस, जियो बेफिकर। क्या आप जानते हैं कि आजकल के असंतुष्ट वैवाहिक जीवन का मूल कारण है स्ट्रेस, जिससे आप में ऊर्जा व क्षमता की कमी महसूस होती है? इसका जड़ से इलाज करें झंडू विगोरेक्स के साथ। अन्य दवाइयां असर तुरंत तो करती हैं, पर उनके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। झंडू विगोरेक्स एक सुरक्षित आयुर्वेदिक जोशवर्धक है जो वाजीकरण थेरेपी पर आधारित है। इसमें है अश्वगंधा, कौंच बीज और स्वर्ण भस्म जैसे 7 जोशवर्धक। आप मिलाए भरपूर ऊर्जा और क्षमता, ताकि आप वैवाहिक जीवन का आनंद ले सकें। 45 दिनों तक रोजाना एक कैप्सूल लें झंडू विगोरेक्स। हेडलाइंस ब्रॉट टू यू बाय मुश्की फैशन, द सोल ऑफ स्टाइल, अ प्रोडक्ट ऑफ ग्रीनवे ग्रुप। रक्षा मंत्रालय ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे की CBI जांच के आदेश दे दिए हैं, और सूत्र बता रहे हैं कि इटली की कंपनी फिने मैक्सिकाना से हेलीकॉप्टर की डिलीवरी भी रोक दी गई है। इटली पुलिस ने CEO को मिलान से गिरफ्तार किया है। कंपनी पर अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर बेचने के लिए भारत में रिश्वत देने का आरोप है। जांच के घेरे में 3 भारतीय भी हैं। भारत ने 3,850 करोड़ में 12 हेलीकॉप्टर का सौदा किया था। बीजेपी और संघ के सबसे बड़े नेताओं की दिल्ली में बैठक हो रही है। बैठक में राजनाथ, आडवाणी, सुषमा जेटली के अलावा RSS के सुरेश सोनी, मनमोहन वैद्य और भैयाजी जोशी जैसे बड़े नेता मौजूद रहेंगे। खबर है कि बैठक में PM की उम्मीदवारी और राजनाथ की नई टीम पर चर्चा होगी। कोलकाता में छात्र संघ चुनाव के नामांकन को लेकर कांग्रेस और TMC के छात्र संगठनों के कार्यकर्ताओं के बीच खूनी झड़प हुई है। फायरिंग और देसी बम भी फेंके गए। हिंसा में एक शख्स की मौत हुई है।
घटना हरि मोहन घोष कॉलेज की है। भारत के लिए खेल की दुनिया से बुरी खबर आई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 2020 के ओलंपिक से कुश्ती को बाहर कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि 2020 के ओलंपिक में भारत के पदक जीतने की उम्मीद काफी कम हो गई है। आपको बता दें कि लंदन ओलंपिक में भारतीय पहलवान सुशील कुमार और योगेश्वर दत्त ने मेडल जीता था। ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है क्योंकि सबसे प्राचीन खेल है जो सबसे पहले ओलंपिक में शुरू हुआ था। ये सबसे पुराना खेल हमारा और इसी को बाहर कर देना कोई अच्छी कोई समझ का कार्य नहीं है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। प्रश्न ये है कि प्रधानमंत्री कौन होगा कौन नहीं होगा, उसमें हमारे यहाँ शीर्ष नेतृत्व है और निर्णायक मंडल जो है वो फैसला कर लेगा। समय तो आने दीजिए, हर विषय को लेके अलग अलग बन जिन्हें मत होते हैं। ठीक ठीक ठीक। इसका मतलब ये नहीं होता कि पार्टी में विभाजन है। सूत्र न कपास और तारे माने से लठम लठा ला, तो अभी कहाँ तो चुनाव कब की बात, कौन चुना जाएगा, कौन पार्टी का बहुमत होगा, कौन सा गठबंधन बनेगा, कौन सा गठबंधन को जनता चुनेगी। अरे जनता की तो बात करो। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है, तो क्या गृह मंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, इस बहस का रुख करें उससे पहले बता दें कि बीजेपी और आरएसएस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक इस वक्त चल रही है। 2.5 घंटे हो चुके हैं इस बैठक को, ये बैठक जारी है। इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि इस बैठक में काफी कुछ तय होगा राजनाथ की नई टीम के बारे में और पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया। विकास, क्या जानकारी मिल रही है, बैठक काफी लंबी चल रही है इस बैठक से? जी हाँ बिल्कुल, शुरू में ही हमने इस बात को बताया था कि ये बैठक मैराथन बैठक होगी, लंबी चलेगी और 3.5-4 घंटे तक ये बैठक चलने की उम्मीद है। 2.5 घंटे ऑलरेडी इस बैठक को शुरू हुए हो चुके हैं और इस बैठक में बीजेपी और आरएसएस के बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं और अगले एक साल तक का यानी कि लोकसभा चुनावों तक का रोड मैप इस बैठक में तैयार किया जाना है। और उस रोड मैप के दायरे में ना केवल राजनाथ की टीम आती है बल्कि बीजेपी से प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा, इस मसले पर भी इस बैठक में चर्चा होनी है। जाहिर तौर पर महत्वपूर्ण बैठक है, बीजेपी के अगले एक साल की रणनीति का कच्चा खाका इसमें खींचा जाना है और उसके बाद वक्त बेवक्त इस पर बैठकें भी होती रहेंगी कि रोड मैप पर कितना एक्शन हुआ और एक्शन प्लान के मुताबिक बीजेपी कितना आगे बढ़ी। 6 महीने बाद फिर से ऐसी बैठक होगी, लेकिन ये बैठक इसलिए निर्णायक है क्योंकि इस बैठक में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। बड़े फैसले लिए जा सकते हैं इस बैठक में, इसलिए ये बैठक बहुत अहम है, निर्णायक ये बैठक है। अगले एक साल का रोड मैप यहाँ पर तय किया जाएगा और आरएसएस के वरिष्ठ नेता और बीजेपी के वरिष्ठ नेता इस मैराथन बैठक में शामिल हैं इस वक्त। लेकिन हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं और बड़ी बहस कर रहे हैं उस मुद्दे पर जो गोविंदाचार्य ने उठाया है कि नरेंद्र मोदी को गृहमंत्री बनना चाहिए और लालकृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए, हमारे साथ रशीद किदवई भी मौजूद हैं। रशीद, आप किस तरह से देखते हैं? रशीद के पास हम जाएंगे लेकिन उनसे हमारा संपर्क इस समय टूट गया है, लेकिन हमारे जो साथ नेता यहाँ मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। सुधांशु जी, आपने सुना प्रभात जी को कि गोविंदाचार्य कह रहे हैं राहुल गांधी को कि उन्हें इंटर्नशिप चाहिए, वो कह रहे हैं उनके पास डॉक्टरेट है, वो जनता की बात कर रहे हैं, जनता से जुड़ रहे हैं वो। प्रभात जी एक राहुल गांधी जी के भाषण के बारे में भी जिक्र कर रही थी, मेरे को गालिब का एक शेर याद आता है, ये मिसाइल तवव्वुफ और तेरा बयान है गालिब, तुझे हम वली समझते जो तू बादा खाना होता। अब इसका मतलब पूछ लीजिएगा तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा जी। बहरहाल भाषणों से और वो भी मैंने कहा फ्रॉम गेस्ट अपीयरेंस टू नो अपीयरेंस कि 15 दिन 1 महीने में जागिए, एक भाषण दे दीजिए फिर सो जाइए, इनसे अगर देश का नेतृत्व हो रहा होता ना तो फिर बात ही क्या थी जी। देश का नेतृत्व सुधांशु जी, प्रभा जी आपके शेर को भी बखूबी समझ रही हैं और उसके मतलब को भी समझ रही हैं, इस पर प्रतिक्रिया भी देना चाहती हैं जी। प्रभा जी, वो जो कह रहे हैं ना कि हम वली समझते जो ना वादा खार होता, मतलब अगर आप वादा निभाते तो हम आपको समझते कि आप बहुत महान हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कौन सा वादा उन्होंने है जो नहीं निभाया। मतलब नहीं होता इसका। राहुल जी ने कहा था कि नरेगा योजना पूरे देश में लागू होनी चाहिए, महात्मा नरेगा, सुनिए मार वो लागू हुई, राहुल जी पूरे युवा कई सांसदों को लेकर के चली गई, वादा नहीं निभाया, किसानों के कर्जे माफ होने चाहिए,
किए जाने चाहिए, वो हुआ हर जगह वो जो वादा अपना कर रहे हैं। अब प्रभा जी प्रेम तो है, अरे उड़ीसा वाले आज तक प्रेम शुक्ला जी उनका मार रहती उनकी पहरेदारी करने वाले थे एक्सपर्ट पार्टी जी। प्रभा जी प्रेम शुक्ला जी सवाल पूछ रहे हैं आपसे, भी याद कर रहे हैं लोग। मत आंखिए कम मत आंखिए, समय बताएगा। और अभी आप ये मिनिस्ट्री बांट रहे हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य है अडवाणी जी को प्रधानमंत्री जी बना रहे हैं। विदर्भ में चुनाव ही नहीं हुआ, विदर्भ में कलावती के घर में आदरणीय राहुल गांधी जी गए थे, कलावती दिल्ली तक दस्तक देने चली आई, उनके 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 पहले पति का निधन हुआ था, उनके उनके दामाद का भी निधन हो गया, कोई मदद नहीं की। एक एक कलावती जो पार्लियामेंट में जब परमाणु समझौते पर बहस शुरू हुई तो कहा कलावती के घर में उजाला ले जाएंगे, अंधेरा भर दिया आपने। आप कौन सी कलावती, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दूर करने वाले थे, अमेठी में चुनाव तक हार गए, रायबरेली नकार चुकी है, कितने कितने उदाहरण दिखाए। प्रतीकात्मक नाम है जी, प्रतीकात्मक नाम नहीं है प्रभा जी, प्रतीकात्मक नाम नहीं था ये। कलावती का एक का ही नाम होता है क्या? बांदा में बेरोजगारी दूर करने चले गए थे, कलावती एक का नाम, पूरे बुंदेलखंड के वादे का क्या हुआ राहुल जी ने? और बीजेपी के लोग कौन सी कलावती, बुंदेलखंड के किसानों के साथ जो उनके वादे थे, ये जो बीजेपी अपने मसले तय करे। अभी प्रधानमंत्री बना ढूंढा राहुल जी ने, मिनिस्टर सब बना रहे हैं, कलावती को राहुल जी की प्रेम शुक्ला जी, लेकिन प्रेम शुक्ला जी लेकिन बैठ के चिंता करना है, चिंतन करना है तो कुछ जनता के हित में करिए। प्रेम शुक्ला जी लेकिन प्रभा जी पूछ रही हैं कि अभी तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का ही मसला हल नहीं हुआ है बीजेपी में एनडीए में। और प्रेम शुक्ला जी मुझे भी आपसे सवाल पूछना था कि जब प्रेम शुक्ला जी आपकी पार्टी ने कहा था कि बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि सुषमा स्वराज बेहतर प्रधानमंत्री हो सकती हैं, फिर आप लोगों ने कहा कि नरेंद्र मोदी को अगर प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो पार्टी में सारे धड़ों को बुला के चर्चा होनी चाहिए। अब जो तीसरा नाम आ गया है पीएम इन वेटिंग का, खैर उन्होंने अपने पास पोस्ट कई सालों से रखी हुई थी अडवाणी जी, ये नाम आ गया तो इस पर शिवसेना का क्या ख्याल है? अडवाणी जी कैसे प्रधानमंत्री साबित होंगे जी? सीनियर मोस्ट तो है, अडवाणी जी के नाम पर तो शिवसेना ने पहले भी समर्थन किया था, वाजपेयी जी के नाम पर शिवसेना ने समर्थन किया है, और भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी को अपना प्रधानमंत्री उनको तय करना है और गठबंधन में उस पर चर्चा होगी। और अगर लालकृष्ण अडवाणी होंगे तो शिवसेना समर्थन भी दे सकती है, और तो शिवसेना प्रमुख का साफ मत है कोई योग्य उम्मीदवार है कुछ जी। अटल जी से भी तो राय कर लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी जी हमारे साथ रशीद किदवई भी मौजूद है। प्रभा जी उनको भी शामिल कर लेते हैं चर्चा में। रशीद आपसे जानना चाहेंगे गोविंदाचार्य के बयान को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए सुमेरा, बात यह है कि गोविंदाचार्य ठीक है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन वो एक इंसाइडर हैं और इंसाइडर थे। बहुत बार ऐसा होता है राजनीतिक आकलन एक दूसरी चीज होती है। देखिए अरुण नायडू है, नटवर सिंह है, ये लोग सक्रिय राजनीति में नहीं है, लेकिन इनका आकलन कई बार बहुत अच्छा होता है। तो गोविंदाचार्य ने जो बात कही है वो कहीं ना कहीं भाजपा में और आरएसएस में उसकी चर्चा हो रही होगी। दूसरी बात, गठबंधन की सरकार जो होती है वो एक टीम होती है, और एक टीम में जो है उसमें काम करने का मौका मिलता है। अगर गृहमंत्री की बात हो रही है तो गृहमंत्री का एक बहुत बड़ा पद होता है, गृहमंत्री जो होता है डुअर होता है। आप देखिए जो पहली सरकार बनी थी जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और सरदार पटेल गृहमंत्री थे, जो भारत का यूनिफिकेशन उन्होंने कराया, बहुत बड़ी बात करी उनको। बाकी और बहुत ज्यादा समय नहीं मिला, उम्र उनकी ज्यादा नहीं तो वो बहुत कुछ और भी करते। इस तरीके से एल के अडवाणी जी जो थे वो भी जो थे वाजपेयी सरकार में वो डुअर थे। तो अगर और ये दोनों जो है जो छोटे सरदार जो जिनको हम कहते हैं नरेंद्र मोदी, उनके वो रोल मॉडल रहे सरदार पटेल और एल के अडवाणी, तो इसमें उन्हें मुझे नहीं लगता सुधांशु भाई को क्यों इतनी आपत्ति हो रही है। एक अच्छा रोल है और उन्हें कुछ बहुत कुछ दिल्ली में सीखने को मिलेगा जी। सुधांशु जी से प्रतिक्रिया लेते हैं। सुधांशु जी आपने सुना रशीद किदवई को, वो कह रहे हैं कि गृहमंत्री भी तो बहुत डुअर और डुअर की तो भूमिका में रहे हैं नरेंद्र मोदी, ये तो उनकी छवि है। आपने पूरी बात सुनी नहीं है। राशिद भाई, अगर आप गोविंदाचार्य जी के बयान से सहमत हैं तो मैं ये भी मान लूं ना कि आप इस बात में भी सहमत हैं कि राहुल गांधी जी को अप्रेंटिसशिप करनी चाहिए। अभी आप सहमत हैं क्या? सुनिए एक सेकेंड। दूसरी चीज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि भाई भाजपा का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा तो ये तो एक विषय है। अरे भाई जो सरकार एक सेकेंड प्रभा जी, मैं आपकी बात को टोक नहीं देता हूं, मुझे बोलने दीजिए, फिर आप जरूर बोलिएगा जी। बोलिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं भाई, ये भी तो पूछ लीजिए कि कांग्रेस
कांग्रेस का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है ये भी तो पूछ लीजिए। सब लोग हमारी तो चिंता करें बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं मानता हूं आपकी चिंता का कारण यह है कि आपको दिख रहा है कि हम सत्ता में आ रहे हैं तो नेचुरली हमारा प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है लेकिन, वो बहुत है लेकिन सुधांशु जी इनके यहाँ कौन, ये तो आज लाल कृष्ण आडवाणी को लेकर ये भी तो पूछ लीजिए। लाल कृष्ण आडवाणी का नाम चर्चा हो रही है। इनके सुनिए, इनके राहुल गोविंदाचार्य जी का जो मोहन सिंह कहने का मतलब ये भी हो सकता है सुधांशु जी, तय कर लीजिए। जैसे अटल जी थे एक मॉडरेट चेहरा थे और हिंदुत्ववादी चेहरा, उस समय आडवाणी भी हुआ करते थे। अब ये होगा कि चूंकि जिन्ना साहब की मजार पर हुआ है आडवाणी जी, तो वो मॉडरेट चेहरा हो जाएंगे और एक दूसरा चेहरा हो जाएगा विकास पुरुष प्लस अब आप हिंदुत्ववादी वाला जो कॉकटेल वाला चेहरा हो जाएगा नरेंद्र मोदी का, ये जोड़ी हो सकती है। विजय जी सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हमारा चेहरा जो आएगा बहुत ही आकर्षित चेहरा होगा, वो ऐसा चेहरा होगा जिस पे देश विश्वास करेगा, उसकी विश्वसनीयता होगी, उसकी चारित्रिक विश्वसनीयता होगी, उसकी प्रशासनिक विश्वसनीयता होगी, उसकी वैचारिक विश्वसनीयता होगी, उसकी चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। सुधांशु जी कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाएगा, तो सुधांशु जी ये बात तो आप कम से कम मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाएगा। सुमेरा जी, जब जंग में कोई आदमी जाता है तो अपने पत्ते खोल के जाता है क्या? वो कहते हैं आओ 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 देखो कि मैं किस तरह जंग लड़ने जा रहा हूँ। अरे हमारी जंग है, जनता के सामने हमें जाना है, वहाँ जनता के सामने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार, जनता के सामने तो खोलेंगे ना पद का, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा वो तो आप बताएंगे और वो बताते रहे हैं आप हमेशा। सुनिए जी, इस पर सुधांशु जी जी इस पर बात करेंगे, फिलहाल रुक रहे कुछ देर के लिए, चर्चा को जारी रखेंगे, रुक रहे कुछ देर के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। जिंदगी के उतार चढ़ाव में हम हैं आपके साथ, मैक्स फॉर लाइफ। रोज किस लिए? आज वैलेंटाइंस डे है इसलिए। तो ये सब याद रहता है, दवाई खाना याद नहीं रहता? याद नहीं था, मैसेज आया था। तो बच्चों की तरफ फ्लावर ले आए? बस बहस मत करो, आई लव यू। उम्र जो भी हो, प्यार का इजहार करना एक अच्छा आइडिया है। एक फ्लावर 20 रुपए का, कॉलीफ्लावर ले आते। जिंदगी के हाईवे पे कोई अकेले नहीं बढ़ता, आप किसके साथ बढ़ रहे हैं बताइए। progresstogether.in पे एक्सिस बैंक, बढ़ती का नाम जिंदगी। राहु में साथ जिसका भी मिला उसे हम सफर बना लिया, नैनो के साथ अब हर सफर ही मंजिल है। टाटा नैनो, आपकी खुशियों की चाबी। और अब पेश है टाटा नैनो स्पेशल एडिशन, घर ले आइए आज ही। डायमंड्स किस खुशी में? तुम भूल गई? हम आज ही के दिन तो मिले थे यार। Really? मुझे तुमसे ही उम्मीद ना थी। हम आज मिले थे, सच सच। अब तनिष्क डायमंड्स पे है 20% तक की छूट, बाकी सब छूट। हम पक्का आज ही मिले थे? हाँ 100%। 20% नाइस ना? वेरी नाइस। सिंटेक्स फैक्ट्री में डोर्स जो ना पानी से गले और ना ही टर्माइट से डरे, सिंटेक्स फैक्ट्री में डोर्स, क्योंकि घर की बात घर में रहे तो अच्छा है। हाँ अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट।
सबसे अनमोल चीज ब्रह्मांड। वासन आई केयर, विश्व का सबसे बड़ा आई केयर नेटवर्क। I ain't no ordinary man, I lead no ordinary life. I see what I see and I am what I am. I ain't no ordinary man. Command attention with India's first premium 125cc bike. New TVS Phoenix 125. Ride premium class. सर्वो के 40 ऑयल्स, डीजल इंजन ऑयल्स, कार इंजन ऑयल्स, गियर ऑयल्स या कूलेंट्स खरीदो और सर्वो कैप के नीचे कैश ऑफर में हिस्सा लो। कैप के नीचे देखो और हर कैप के नीचे ₹1,000 तक का इनाम तुरंत पाओ। जल्दी करो सर्वो कैप के नीचे कैश ऑफर फ्रॉम इंडियन ऑयल। Ears are weird. I don't know what shape that is, but it's not round. So why would headphones be round? They should be shaped like this. Ear-shaped. You know, so they fit in your ears. क्या आप जानते हैं कि आजकल के असंतुष्ट वैवाहिक जीवन का मूल कारण है स्ट्रेस, जिससे आप में ऊर्जा व क्षमता की कमी महसूस होती है। इसका जड़ से इलाज करें झंडु विगोरेक्स के साथ। अन्य दवाइयां असर तुरंत तो करती हैं, पर उनके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। झंडु विगोरेक्स एक सुरक्षित आयुर्वेदिक जोशवर्धक है जो वाजीकरण थेरेपी पर आधारित है। इसमें है अश्वगंधा, कौंच बीज और स्वर्ण भस्म जैसे 7 जोशवर्धक। आप मिलाए भरपूर ऊर्जा और क्षमता ताकि आप वैवाहिक जीवन का आनंद ले सकें। 45 दिनों तक रोजाना एक कैप्सूल लें झंडु विगोरेक्स। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। द सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला। New Wagonr loaded with new features for the smarter you. Ganga ki saugandh, ABP News par jal. एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है। तो क्या गृह मंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी? और ये हम इसलिए कह रहे हैं, ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गोविंदाचार्य ने ये बयान दिया और उसके बाद हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रशीद कितबई भी मौजूद हैं। रशीद, लेकिन गोविंदाचार्य ने राहुल गांधी को भी लेकर बयान दिया जिस पर हम बात कर रहे थे अभी कुछ देर पहले, और इंटर्नशिप की बात की। तो राहुल गांधी को किसके नीचे इंटर्नशिप करनी चाहिए, किसके अंडर में इंटर्नशिप करनी चाहिए? अभी तक तो दिग्विजय सिंह का नाम सामने आता था। देखिए सुमेधा, राहुल गांधी के रोल को लेकर के जो है कांग्रेस में और कांग्रेस के बाहर काफी कुछ कंफ्यूजन है। दरअसल जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी का एक मॉडल है, वो सत्ता में देखिए 23 साल से ज्यादा हो चुके हैं, तो नेहरू गांधी परिवार का जो सदस्य है प्रधानमंत्री नहीं बना है। लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा बीच का वक्फा छोड़ दें तो उनकी सत्ता की जो जैसे हम कहते हैं कमांड है वो उनके हाथ में रही है। तो एक तरीके का नए किस्म का मॉडल है। यहाँ पर किसी इंटर्नशिप की जरूरत नहीं होती, यहाँ के ऊपर दूसरी चीजों की जरूरत है। जो खुद उमा भारती ने एक बार कहा था कि सोनिया गांधी बहुत गूढ़ राजनीति करती हैं, तो ये गूढ़ राजनीति का परिणाम जो है हम अभी देख रहे हैं कि भाजपा को उन्होंने आंतरिक सुरक्षा के मामले पर भी थोड़ा सा डिफेंसिव के ऊपर कर दिया है। तो इसलिए राहुल गांधी भी तुरंत 2014 में प्रधानमंत्री बनेंगे, ये आकलन खुद भी बहुत ही जो है इस पर प्रश्न चिन्ह है जी। और इस पर सुधांशु जी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, फिर मैं प्रभा जी के पास भी जाऊंगी। जी सुधांशु जी, देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था है। ऑल अथॉरिटी, नो अकाउंटेबिलिटी, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो भैया ये तो सूट करेगी करेगी, इसलिए प्रधानमंत्री का कौन होगा ये कभी सामने नहीं लेके आ रही है कांग्रेस जे। और जिस व्यवस्था में जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी अथॉरिटी नहीं होती है, वो व्यवस्था चलती नहीं है। और इसीलिए हिंदुस्तान की सरकार में इस समय जो एक डेफिसिट आया हुआ है, पॉलिसी डेफिसिट, एक्शन डेफिसिट, क्रेडिबिलिटी डेफिसिट, वो इसी वजह से आया हुआ है। एक्शन तो रोज हो रहे हैं। व्यवस्था जो है सरकारी व्यवस्था वो है कि अथॉरिटी, अथॉरिटी
रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। सुधांशु जी, ये जो आप बात उठा रहे प्रभा जी की राय ले लेते हैं, इस पर उनके उनसे प्रश्न पूछ लेते हैं, लेकिन आपसे मेरा एक सवाल, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इसीलिए प्रधानमंत्री पद के बारे में कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन अब तो बीजेपी भी नहीं बोल रही है, तो बीजेपी क्यों नहीं बोल रही है? हमारे को तो मौका आएगा, हम अपने आप बोल देंगे ना, लेकिन हमसे जब आप पूछ रहे हैं तो कृपया इनसे पूछे जो सरकार चला रहे हैं, अब उनसे पूछे क्या अगली सरकार का जो स्वरूप इनका दिखता है इनको, वो मनमोहन जी होंगे या राहुल गांधी होंगे? ठीक है, वो अब उनसे पूछ लेते हैं जी। प्रभा जी, राहुल गांधी को घोषित किया जाएगा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार? एक बात बता, क्योंकि आप कह रहे हो उन्हें इंटर्नशिप की कोई जरूरत नहीं, उनके पास तो डॉक्टरेट है। सुनिए, हमारे यहाँ तो हाँ डॉक्टरेट है, क्योंकि वो उनको नेता पूरे देश ने एक्सेप्ट किया हुआ है, माना हुआ है, तो घोषित करेंगे उन्हें, उसके उनका नाम घोषित होगा। दो बार चुनाव जीत के साथ साथ, नहीं मेरी बात सुनिए, कांग्रेस की परंपरा हमेशा मालूम है, एक तो कांग्रेस में कोई अंतर कलह नहीं है जी, सबने एक मत से सोनिया जी का नेतृत्व स्वीकार किया, जो भी कांग्रेस अध्यक्ष हैं उनका नेतृत्व स्वीकार है, राहुल जी उपाध्यक्ष बने हैं उनका नेतृत्व सबने एक मत हो से स्वीकार किया, कोई विरोध नहीं हो सकता। प्रभाजी कोई विकल्प है क्या इसके अलावा, स्वीकार ना करें इसके अलावा कोई विकल्प है? अध्यक्ष पूरा सांसदों सभी सांसदों से बात करने सुनिए ना, सभी चुने हुए सांसदों से बात करके जो होता है करते हैं, उस बात की कोई हायतोबर नहीं मचती, कोई खींचतान नहीं होती, कोई खेमेबाजी नहीं होती ना कोई अलग अलग बयान देते हैं जी कि अमुक बहुत तो अच्छे प्रभाजी, प्रभाजी समय खत्म हो रहा है, समय खत्म हो रहा है, संक्षेप में जानना चाहूंगी, आप नाम यानी कि राहुल गांधी का घोषित नहीं करेंगे? वो अपने घरेबान में देखे, मैं नहीं, नहीं सवाल ये है कि वो भी क्यों अभी है जिस पड़े हुए हैं भाई, राहुल गांधी अभी तो जनता जी प्रभाजी जी प्रभाजी इतना ही समय हमारे पास इस चर्चा के लिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। गोविंदाचार्य ने जो कुछ कहा है उस पर अभी देखना है कि आगे क्या कुछ होता है, बीजेपी और आरएसएस के वरिष्ठ नेताओं की भी बैठक हो रही है, वहां से क्या निकल कर आता है उस पर भी नजर बनी हुई है। फिलहाल रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, एबीपी न्यूज पर जारी है खबरों का सिलसिला। आप देख रहे हैं।